हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कब लोग बढ़िया होंगे और खुशहाली होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। बोर्ड के एग्जाम का पॉइंट से देखा जाए मेरे प्यारे भाई, ट्रांसफार्मर बहुत ही बीबीआई है मेरे प्यारे भाई। मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा कि अगर धारा को बढ़ाता है तो वोल्टेज क्यों घटता है, अगर वोल्टेज बढ़ाता है तो धारा को क्यों घटता है मेरे प्यारे भाई। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सभी पॉइंट को आपको आसानी से समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे कि सभी गांव में आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफार्मर लगाया जाता है मेरे प्यारे भाई। किसी गांव में एक तो किसी गांव में दो, आवश्यकता के अनुसार लगाया जाता है मेरे प्यारे भाई, तो ट्रांसफार्मर कहते हैं किसको। तो आप लोग ट्रांसफार्मर भी इस प्रकार से डिफिनेशन दे सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर विद्युत मशीन है जो धारा या वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। सिंपल से आप कह सकते हैं कि वोल्टेज या धारा में परिवर्तन आता है मेरे प्यारे भाई। तो ट्रांसफार्मर है जो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मेरे प्यारे भाई। एक और ट्रांसफार्मर होता है जिसका चर्चा वीडियो के लास्ट में करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर लिया हूँ जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आप लोग जानते ही होंगे कि गांव में है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है जो वोल्टेज को घटाता है मेरे प्यारे भाई। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का चित्र इसके बाद आपको बनाकर दिखाऊंगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं मेरे प्यारे भाई, परतदार क्रोड और प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, परतदार क्रोड कहते हैं किसको मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में आप लोग देख रहे होंगे कि पतली पतली पत्तियां लगा हुआ है जो बहुत ही नर्म है। आप लोग देख रहे होंगे एकदम नर्म, आसानी से मुड़ जा रहा है मेरे प्यारे भाई, देख रहे होंगे। तो देखिए, इस परतदार क्रोड को इस प्रकार से डिफिनेशन दे सकते हैं कि परतदार क्रोड नर्म लोहे को, अब दे सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे को पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे से आरोपित कर बनाया जाता है, एक दूसरे से आरोपित कर बनाया जाता है मेरे प्यारे भाई। और आरोपित करते हैं तो उसके बीच का भाग लेपित कर दिया जाता है जिससे भावर धारा का क्षय बहुत कम मात्रा में हो मेरे प्यारे भाई। अब इसके बाद देखिए, प्राथमिक कुंडली किसके किसको कहेंगे, जिस कुंडली में इनपुट दिया जाता है उसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और प्राथमिक कुंडली को है जो विद्युत रोधी से लेपित तांबे के तार को अनेक फेरों से लेपित कर बनाया जाता है मेरे प्यारे भाई। अब देख रहे होंगे कि विद्युतरोधी से लेपित तांबे के तार को ढेर सारा फेरा से लेपट कर बनाया हुआ है मेरे प्यारे भाई। इस वित्त रोधी से लेपित इसलिए कर दिया जाता है कि अगर आप लेपित नहीं कीजिएगा तो ट्रांसफार्मर है जो आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं करेगा मेरे प्यारे भाई, और ब्लास्ट भी हो सकता है। ये समझिए कि कार्य होगा ही नहीं, करेगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, द्वितीय कुंडली किस कुंडली के इस प्रकार से परिभाषा दिया जाता है कि जिस कुंडली से आउटपुट लिया जाता है, जिस कुंडली से आउटपुट लिया जाता है उसको द्वितीय कुंडली कहते हैं मेरे प्यारे भाई। और ये है, ये भी है जो विद्युत रोधी से लेपित तांबे के तार को अनेक फेरों से लेपित कर बनाया जाता है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, इसको समझाते हैं कि वोल्टेज या धारा को कैसे बढ़ाता है घटाता है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, इसमें जैसी एसी धारा प्रवाहित किया जाता है, इनपुट में दिया जाता है एसी धारा मेरे प्यारे भाई, एसी धारा तो है जो समय के अनुसार उसके मान में और दिशा में परिवर्तन होते रहता है मेरे प्यारे भाई। तो इनपुट में एसी धारा दिया जाता है तो कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो द्वितीय कुंडली में जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा। और आप लोग जानते हैं कि चूंकि फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वही है जो वोल्टेज को बढ़ाता है मेरे प्यारे भाई। अगर देखिए, और प्राथमिक कुंडली में रहेगा फेरों की संख्या अधिक, तो इसमें चूंकि क्षेत्र रेखाएं हैं जो अधिक मात्रा में निकलेगा मेरे प्यारे भाई, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रहेगा तो इसमें तो वोल्टेज को कम होना तो निश्चित है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक जाएगा और चुंबकीय
इसमें अधिक परिवर्तन होगा द्वितीय कुंडली में, फिर उसका क्या काम है तो वोल्टेज को घटाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ से देखिए और स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर को पहचानने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रहेगा तो ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको कहेंगे, अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है जो कम रहेगा मेरे प्यारे भाई उसको कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर से सुनिए मेरे प्यारे भाई, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रहेगा उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रहेगा उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे मेरे प्यारे भाई। अब देखिए अब तो जानते हैं इसका तो इतिहास गवाह है मेरे प्यारे भाई कि जब जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न किया है, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यहाँ है जो विद्युत वाहक बल है जो वोल्टेज को उत्पन्न करता है, वोल्टेज को उत्पन्न करता है मेरे प्यारे भाई। और आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक चुंबकीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो विद्युत धारा को प्रेरित करता है, ये आप पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे है जो विद्युत वाहक बल है जो वोल्टेज देता है मेरे प्यारे भाई, आप इस प्रकार से कह सकते हैं। अब फिर एक बार समझ लीजिए, अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रहेगा और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रहेगा मेरे प्यारे भाई तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम रहेगा और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रहेगा तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे मेरे प्यारे भाई। अब देख रहे हैं हमें कि प्राथमिक कुंडली से विद्युत क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है जो दूसरे में लिंक हो रहा है, इसमें से विद्युत फ्लक्स है जो दूसरे कुंडली में जा रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे यह है जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है मेरे प्यारे भाई। और अन्योन प्रेरण का सिद्धांत ट्रांसफार्मर है जो किसके सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर है जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे प्यारे भाई। जब जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन हुआ है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो चाहे तो वोल्टेज बढ़ाएगा, यहाँ वोल्टेज बढ़ाने का कम करता है लेकिन प्रेरित धारा में परिवर्तन वह जो विद्युत वाहक बल विद्युत धारा को प्रेरित करता था वहां, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाएगा या घटाएगा मेरे प्यारे भाई। ये कैसे होता है, अगर धारा बढ़ता है तो वोल्टेज कमता है, अगर वोल्टेज कमता है तो धारा बढ़ता है, ये कैसे होता है मैं इस पर वीडियो के आगे बताऊंगा मेरे प्यारे भाई प्रूफ के साथ। देखिए आप यहाँ से चलते हैं, यहाँ चित्र से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइमरी कुंडली है मेरे प्यारे भाई, प्राइमरी कुंडली है और यह सेकेंडरी कुंडली है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए मान लीजिए एलपी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या आप कह सकते हैं मेरे भाई, एलपी बराबर प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, एनएस बराबर द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या मेरे भाई। देखिए आप देखिए यहाँ पे अब मान लीजिए इसमें इसमें आई धारा बढ़ाई ये आई है जो प्राथमिक प्राथमिक
कुंडली में धारा, तो आइए करो मेरे प्यारे कुंडली में धारा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अब बीपी होगा, प्राथमिक कुंडली में धारा वोल्टेज, अब कह सकते हैं तो वीएस बराबर होगा के कुंडली में क्या। देखिए मेरे पैर भाई, आप मान यहाँ पे लिखिए कि माना, और यहाँ पे लिखिए आप हरारे के फैराडे के नियम से। देखिए मेरे प्यार भाई, पहली कुंडली के लिए देखिए प्राथमिक कुंडली कुंडली के लिए, तो प्राथमिक कुंडली के लिए देखा जाए मेरे प्यार भाई, देखिए बाहर वाले मान लीजिए कि पीपी है मेरे प्यार भाई, वोल्टेज है तो बिल बाहर वाले मान लीजिए, देखिए होता है माइनस एट, और प्राथमिक कुंडली के लिए फिर से क्या एट किया मेरे प्यार भाई डी फाइव बटा डी टी। देखिए मेरे प्यार भाई, हमें यहाँ पे माइनस होता है लेकिन हम मैग्नीट्यूड के साथ लेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ लेंगे तो माइनस हट गया। देखिए इसका समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और देखिए दूसरे कुंडली के द्वितीय कुंडली के लिए एस बराबर एस बराबर डी फाइव बटा डी टू। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे समीकरण इसको सेकंड मोड लेते हैं, दोनों मैग्नीट्यूड के साथ ले लिए हैं, तब देख रहा है कि यहाँ पे ये भी इक्वेशन वोल्टेज, ये भी वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज है, और यहाँ पर भी फेरोक कुंडली के फेरोक संख्या है तो ये भी फेरोक संख्या, ये दोनों क्या, ये दोनों सेम ही है लेकिन यहाँ बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुंडली अलग अलग है, इसीलिए हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से चल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो देखिए डी पी बराबर डी एस, और डी फाइव तो डी फाइव दोनों पे कर लेगा मेरे प्यारे भाई, तो होगा एम पी बटा एम। तो यहाँ से प्राप्त हुआ मेरे प्यारे भाई, देखिए आपको कहने यहाँ पे ये प्राप्त हुआ कि अगर कुंडली की संख्या बढ़ेगा तब वोल्टेज बढ़ेगा, देखिए कुंडली की संख्या फेरों की संख्या कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ेगा तब प्राथमिक में वोल्टेज बढ़ेगा मेरे प्यारे भाई, अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रहेगा तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज बढ़ाएगा, तो समझ सकते हैं। आप देखते हैं धारा के, देखिए मेरे प्यारे भाई ये आप लोग समझ गए होंगे तो इसको आप मिटा देते हैं, देखिए देखिए मेरे प्यारे भाई, और हम आपको कह दें कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो
जितना पावर इनपुट में जितना पावर देता है उतना ही पावर आउटपुट में देता है, वो खर्च नहीं करता। इसमें इसमें है जो शक्ति का पावर का लॉस नहीं करता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर जितना इनपुट में पावर देता है उतना ही पावर आउटपुट में देता है, उसमें पावर का लॉस नहीं करता। तो मान लीजिए कि एको ठोक ने मतलब थोड़ा सा भी पावर का लॉस नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आदर्श आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जितना पावर है, यहाँ पी है जो पावर है मेरे भाई, तो जितना पावर है इनपुट में देते हैं उतना ही पावर आउटपुट में देता है मेरे प्यारा द्वितीय कुंडली में। देखिए देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर सेक्टर प्राथमिक कुंडली के लिए VP बराबर IP, अब VS बराबर IS, ये प्राथमिक कुंडली के लिए है और ये द्वितीय कुंडली के लिए है मेरे पहले भाई। तो देखिए यहाँ पे VP बराबर हो जाएगा बराबर IS बराबर IP। इसको समीकरण थ्री मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, और इसको मान लीजिए समीकरण फोर। अब देखिए समीकरण थ्री समीकरण थ्री और यहां पर अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से नहीं लिखने का मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे तरफ, समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देने पर ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए समीकरण समीकरण थ्री और फोर से देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे इधर देखिए यहाँ पे LHS और LHS दोनों का सेम है मेरे प्यारे भाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ज्यादा नहीं काम है, इसके लिए मिटा रहा है पूरे, आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए इसका भी LHS बराबर है मेरे प्यारे भाई और इसका भी LHS बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि देखिए VP बराबर VS बराबर NP बराबर NS बराबर IS बराबर IP। तब इसको बराबर मान लीजिए कि इसको बराबर मान लीजिए कि K माना, इस कंडीशन में मान लीजिए कि इतना बराबर के माना। अब देखिए अब समझ में मेरे प्यारे भाई, देखिए अब यहां पे समझ लीजिए कि अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा क्यों घटता है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए जितना हम पावर या आदर्श
ट्रांसफार्मर से प्रूव करता है, तो इसका ही से समझता है मेरे प्यारे भाई। देखिए जितना हम इनपुट में जितना है उतना ही आउटपुट में होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पे भी आई है, दोनों है जो घूमना में है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए अगर हम जितना पावर देते हैं और इनपुट में देते हैं उतना ही आउटपुट में होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो देखिए अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल से मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपया है और हमको खरीदना है लाडू, खरीदना है मान लीजिए कि पेन खरीदना है बुक खरीदना है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए हमारे पास 100 रुपया है ये है और स्टाफ देता है 10 रुपये पीस देता है। मान लीजिए कि पेन भी है तो 10 रुपये पीस दे रहा है और बुक भी है तो 10 रुपये पीस दे रहा है मेरे प्यारे भाई। तो अगर हमको 100 रुपये मेरे पास है यहाँ, तो अगर हम पेन ज्यादा खरीदेंगे तो बुक तो कम खरीदना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। अगर हम बुक ज्यादा खरीदेंगे तो पेन को कम खरीदना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। उसी प्रकार मान लीजिए कि यह धारा है, यह जो धारा है और यह जो वोल्टेज है और यह जो पावर मान लीजिए शक्ति है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई अगर हम पेन ज्यादा खरीद रहे हैं, हमको 100 रुपये है तो 100 रुपये में तो एक चीज को बढ़ाएंगे तो एक चीज घटाएंगे तब ना हम हमारे पास 100 रुपये की खरीदार होगा। तो अगर हम धारा को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज को तो घटाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। अगर पेन ज्यादा खरीदते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपया है, तो अगर हम पेन भी समझेगा धारा, बुक भी समझेगा वोल्टेज, तो हमारे पास 100 रुपया है मेरे प्यारे भाई। तो 100 रुपये मेरे पास है ही और 100 रुपया मेरे बाकी दोनों में से खरीदना है। तो अगर हम पेन ज्यादा खरीदेंगे तो बुक तो हमको कम खरीदना होगा, बाकी मेरे पास 100 रुपया है। तो अगर पेन ज्यादा खरीदेंगे 8 बुक खरीदेंगे तो बुक हमको 2 खरीदना होगा। अगर हम बुक खरीद लेंगे 8 को तो पेन खरीदना होगा 2 को मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हम मेरे पास 100 रुपया है और 100 रुपया है और 100 रुपये दुकानदार को देना है। तो समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। तो अगर हम पावर जितना देंगे जितना आउटपुट में होना चाहिए और थोड़ा सा भी ट्रांसफार्मर मान लीजिए कि लॉस करता है, यहाँ 1000 ट्रांसफार्मर के लिए एग्जाम्पल था मेरे प्यारे भाई। हमको पूरी विश्वास है कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई कि क्यों अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा घटता है। देखिए मेरे प्यारे भाई अब केस वन में लेते हैं। देखिए केस वन लेते हैं, ये बड़ा है 1 से, तो मान लीजिए कि V बराबर VS यहाँ पे बड़ा है 1 से, इसको हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ VS में गुणा कर देंगे तो देखिए हो जाएगा VP बराबर VS, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई तो VS तो VS कट जाएगा और फिर इस तरफ रहेगा, इसको 1 मानिएगा 1। देखिए मेरे प्यारे भाई इस कंडीशन में प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज है जो ज्यादा है द्वितीय कुंडली के अपेक्षा प्राथमिक में वोल्टेज ज्यादा है। फिर देखिए मेरे प्यारे भाई अगर हम एन पी बराबर एन एस कंडीशन है मेरे प्यारे भाई देखिए NP बराबर NS, ये दोनों तरफ NS से गुणा कर देते हैं इस कंडीशन में आपकी मेरे प्यारे भाई। और फिर देखिए अगर हम किस बात में चल रहे हैं, अगर हम IS/IP देखिए मेरे प्यारे भाई दोनों तरफ IP से गुणा कर देते हो जाएगा IS बराबर
आई थी। देखिए मेरे प्यारे भाई, इस कंडीशन पहला प्रश्न ये हुआ, अगर प्राथमिक कुंडली में मेरे प्यारे भाई, वो प्राथमिक कुंडली में है जो वोल्टेज ज्यादा है और द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कम है। और यहाँ पे ये भी मिला कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है जो क्या है इस कंडीशन में। देखिए प्राथमिक में वोल्टेज अधिक है तो प्राथमिक में फेरों की संख्या अधिक है, ये कह सकते हैं कि वोल्टेज है जो फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ देखिए, यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में धारा है जो कम है और वोल्टेज है जो प्राथमिक कुंडली में अधिक है, तो धारा है जो कम है मेरे प्यारे भाई। अभी एग्जाम्पल लेके समझाया आपको, ये कह सकते हैं कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है मेरे प्यारे भाई, स्टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको कह सकते हैं। क्योंकि देखिए प्राथमिक में है मेरे प्यारे भाई जो प्राथमिक में वोल्टेज ज्यादा है लेकिन द्वितीय दूसरे में कम है मेरे प्यारे भाई। अब कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, देखिए अब इसके बाद समझते हैं, अब केस टू में समझते हैं। देखिए केस टू, केस टू देखिए मेरे प्यारे भाई, केस टू में है कि ये है जो एक से छोटा हुआ। इस कंडीशन में देखिए मेरे प्यारे भाई, इस कंडीशन में बराबर भी है, इस कंडीशन हो जाएगा बीपी भी है। और देखिए एन के लिए देखिए एन पी बराबर एन एस देखिए मेरे प्यारे भाई, देखिए एन पी है और एन एस है वन से, तो देखिए एन पी बराबर एन एस। यहाँ पे समझ रहे होंगे हम दोनों तरफ एन एस और एन एस से गुना कर रहे हैं, एन एस एन एस इस लेफ्ट साइड एन एस कर जाएगा और दूसरे तरफ है जो एन एस बच रहा है मेरे प्यारे भाई। देखिए अब धारा के लिए करते हैं, देखिए देखिए मेरे प्यारे भाई, दूसरा केस मारा मेरे प्यारे भाई कि अगर प्राथमिक, यहाँ पे देखिए अगर प्राथमिक में वोल्टेज कम रहेगा, इस कंडीशन में वोल्टेज है मेरे प्यारे भाई जो पहला इस कंडीशन में देखिए मेरे प्यारे भाई, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कम होगा दूसरे के अपेक्षा मेरे प्यारे भाई, सेकेंडरी दूसरे कुंडली में द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ज्यादा होगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ज्यादा है तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज फेरों की संख्या भी अधिक है मेरे प्यारे भाई। और यहाँ देखिए द्वितीय कुंडली में धारा है जो कम रहा है मेरे प्यारे भाई, द्वितीय कुंडली में धारा है जो कम रहा है, तब कह सकते हैं स्टेप अप स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको कहेंगे मेरे प्यारे भाई। और एक और केस लेंगे, इस बार केस लेंगे कि अगर एस बड़ा, इस बार केस लेंगे कि के है जो एक के बराबर है, तो इस स्थिति में मेरे प्यारे भाई है जो जितना प्राथमिक कुंडली में धारा रहेगा उतना ही धारा द्वितीय कुंडली में रहेगा, और जितना वोल्टेज प्राथमिक कुंडली में रहेगा उतनी ही वोल्टेज द्वितीय कुंडली में रहेगा मेरे प्यारे भाई। सिंपल से समझ लीजिए, जितना हम धारा इनपुट में देंगे उतना ही प्राप्त होगा आउटपुट में मेरे प्यारे भाई, और जितना ही वोल्टेज इनपुट में देंगे उतना,
तीनों केसों को बारीकी तरीके से आपको समझाते हैं मेरे घर वाले। तो केस वन में हम लोगों का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राप्त हुआ। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे किसको? तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटाता हो और धारा को बढ़ाता है। तो इनपुट में वोल्टेज ज्यादा देंगे तो आउटपुट से वोल्टेज कम प्राप्त होगा, और प्राथमिक कुंडली में धारा कम होगा तो आउटपुट में धारा अधिक होगा मेरे प्यारे भाई। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कम होगा मेरे प्यारे भाई। अब देखेंगे दूसरा केस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो गांव में प्रयोग किया जाता है। अब आप समझते हैं दूसरा केस है, उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राप्त हुआ मेरे प्यारे भाई। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको कहेंगे? तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता हो। तो इसमें इनपुट में वोल्टेज कम देंगे तो आउटपुट से वोल्टेज अधिक प्राप्त होगा मेरे प्यारे भाई। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगा और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा मेरे प्यारे भाई। तो यह है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर को वोल्टेज बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो आप लोग जानते हैं कि वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घटता है, वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घटता है। ये आपको समझा दिए कि कैसे धारा बढ़ता है तो वोल्टेज घटता है मेरे प्यारे भाई, और वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घटता है। ये आपको समझा दिए मेरे प्यारे भाई। अब तीसरा केस आता है, उस केस में के बराबर वन माना जाता है मेरे प्यारे भाई। तो उस केस में जितना वोल्टेज देंगे उतना ही वोल्टेज प्राप्त होगा। सिंपल समझ लीजिए, जितना वोल्टेज इनपुट में देंगे उतना ही वोल्टेज आउटपुट में प्राप्त हुआ, जितना धारा इनपुट में देंगे उतना ही धारा आउटपुट में प्राप्त हुआ, जितना कुंडली फेरों की संख्या प्राथमिक में होगा उतना ही फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में होगा मेरे प्यारे भाई। तो तीसरा कंडीशन में उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं इंसुलेशन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? इंसुलेशन ट्रांसफार्मर, जिसमें वोल्टेज न तो बढ़ाता है न तो घटाता है मेरे प्यारे भाई, सभी समान आता है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए मेरे प्यारे भाई। तो जय हिंद।